फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है पूजा और मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं अल्फाबेट PAFO, ये मैंने कैसे बनाया है मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ। एडोब इलस्ट्रेटर में इनका यूज आप कई चीजों में कर सकते हो। बैनर के ऊपर लोगो बनाने में, लोगो ऐसे एक सिंगल लोगो बनाने में, बैनर, टेम्पलेट, पैम्पलेट, इन सब चीजों में आप इनका यूज कर सकते हो। तो पी जो है ये मैंने आपको बताया, ये मैंने सिंबल से बनाया हुआ है। ए है, ये मैंने शेप से बनाया है, स्टार की शेप से बनाया हुआ है। एफ जो है मेरा, ये मैंने एस्थेटिक शेप्स जो होते हैं ब्लैक कलर के, जो सिंबल्स होते हैं इसमें हमारे, उससे बनाया हुआ है। ओ जो है ये मैंने खुद ही से ये शेप बनाई हुई है। इसमें कहीं कहीं सर्कल दिखाई देगा आपको, कहीं कहीं आपको राउंडेड वाले रेक्टेंगल दिखाई देंगे आपको। और ये कुछ मैंने पेन टूल से खुद ही बनाए हुए हैं। ये जो आड़े तिरछी जो शेप नहीं है जिनकी, जो सर्कल प्रॉपर सर्कल भी नहीं है, प्रॉपर रेक्टेंगल भी नहीं है ना, प्रॉपर इलिप्स है, तो वो खुद ही बनाए हुए हैं। हाफ ये ऑरेंज है, ऑरेंज का बनाया हुआ है फूड पे। ये आप लोगों लगा सकते हैं, एस्थेटिक वाला है, ये एस्थेटिक पे लगा सकते हैं। ये ए है, मैंने ए बनाया हुआ है, ये जो मैंने शेप्स बनाया है स्टार की शेप में बनाया हुआ है। पी है, तो मैं आज इन्हीं के ऊपर आपको बताने वाली हूँ। ये जो मेरा ओ है, मैं इन सब के, ये जो है आपको दिखाई दे रहे होंगे छोटे 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 छोटे, इन सबको मैं अलग भी कर सकती हूँ। मैंने अभी ग्रुप किया हुआ है इसको, तो ये एक साथ है, इसको अनग्रुप कर देती हूँ। तो ये आप देखो, मैं इसको एक एक पार्ट इसका अलग करके भी आपको बता सकती हूँ। ये देखो, तो इसी तरह से ये एस्थेटिक वाला भी आप देख सकते हो। इसको मैंने ग्रुप किया हुआ था लेकिन अब अनग्रुप कर दिया। तो ये देखो, मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाती हूँ कि कैसे एस्थेटिक है ये। ये देखो, ये सारे एक एक करके मैंने जोड़ करके बनाए हुए हैं, इसलिए आपको ये अलग अलग भी हो जाएंगे। आप इनको जिसको भी अलग करना चाहो ये अलग हो जाएगा। ये देखो, एक को सिलेक्ट करो और इसको उठा के साइड में करके देखो। ये देखो, ऐसे ही मैंने ये बनाया हुआ है। तो मैं इसको जूम आउट कर लेती हूँ एक बार ताकि आपको सारा दिखाई दे। ठीक है, और ये जो ए है, ए ऑलरेडी अनग्रुप है, तो मैं इसको आपको अलग करके और दिखा देती हूँ। ये देखो, इसके एक एक पार्ट अलग हो जाते हैं। देखा आपने, एक एक पार्ट अलग हो जाएगा इसका। तो और ये जो पी है, ये तो मैंने उससे बनाया हुआ है, बेसिक जो हमें मिलते हैं, जो प्रिंट मिलते हैं, मैंने उससे बनाया हुआ है। तो ये अलग तो नहीं हो सकता, लेकिन इसके जो मैंने जो टेक्स्ट से बनाया है, टेक्स्ट जो पहले मैंने उसको टेक्स्ट को शेप में कन्वर्ट किया, उसके बाद फिर मैंने इसको इसके अंदर कोई प्रिंट डाला है। तो मैं आपको बेसिक एक दो शेप्स, एक दो अल्फाबेट करके बताती हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए आप और भी अल्फाबेट कैसे बना सकते हो। तो इसको मैं एक बार आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ए को ये देखो, एक ऐसा लग रहा है। पी देखो, ये मैंने इसको कन्वर्ट कर रखा है, इसको सिलेक्ट था, इस वजह से इसके नोट्स वगैरह खुले हुए थे। तो अब देखो पी क्या ऐसा लग रहा है टेक्स्ट में। टेक्स्ट पे वैसे अगर सिंपल टेक्स्ट अगर आप लिखते हैं ना, तो उस पे ना सिर्फ कलर हो पाता है, आप उस पे ग्रेडियंट कलर नहीं कर सकते, कोई प्रिंट नहीं डाल सकते, ऐसा हो जाता है। तो मैं यहाँ पर इन सब को सिलेक्ट करके छोटा कर लेती हूँ ताकि मैं आपको कोई और टेक्स्ट करके बता सकूँ। शिफ्ट और ऑल्ट के साथ करेंगे आप इसको, तो ये सेम रेशियो में होगा, छोटा बड़ा सेम सेम रेशियो में होगा। तो मैं इसको उठा करके एक साइड में रख देती हूँ अभी फिलहाल के लिए। तो ये क्या हुआ है, इन सबको सिलेक्ट करके शिफ्ट प्लस ऑल्ट के साथ मैं इसको छोटा कर लेती हूँ। छोटा करके मैं इसको नीचे रख लेती हूँ, इनको मैं साइड में रख लेती हूँ। ये किसके पार्ट्स अलग हो गए हैं ये पता नहीं, बाद में देखते हैं इसको। तो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट ले लेती हूँ और टेक्स्ट पे मैं यहाँ पर ओ लिख लेती हूँ। ठीक है, वो मैंने लिख लिया है यहाँ पर, और मैं इसको बड़ा कुछ भी नहीं करूँगी, ऑलरेडी बहुत बड़ा हो रखा है। तो मैं इसको किस तरह शेप में कन्वर्ट करती हूँ आप ध्यान दें। पुराने वाले वर्जन में आपको ये ऑब्जेक्ट में मिल जाएगा, ये वाला ऑप्शन जो मैं इस पे अब अप्लाई करने वाली हूँ।
इसको पहले ओ को सिलेक्ट कर लें आप। टाइप पे जाकर क्रिएट आउटलाइन मिल जाएगा आपको, इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट कंट्रोल प्लस ओ, शिफ्ट कंट्रोल प्लस ओ, आपको हमेशा याद रखना है ये, ठीक है। तो मैं इसे क्रिएट आउटलाइन कर देती हूँ और इसका फिल कलर मैं कर देती हूँ नन और इसकी आउटलाइन कर देती हूँ मैं ब्लैक। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब मुझे इसके अंदर कोई सा भी मुझे मतलब प्रिंट डालना है, तो मैं यहीं से इसी का इस जो इसमें ऑलरेडी आते हैं ग्राफिक के स्टाइल स्टाइल जो पैनल होता है उसी के अंदर आपको मिल जाएगा, इसकी प्रॉपर्टीज ऊपर ओपन हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर इसी में ही कोई सा देख लेती हूँ जो मुझे पसंद हो, तो मैं ये वाला ले लेती हूँ। तो मैंने ये वाला ले लिया है, तो ये देखो अगर मैंने इसको आउटलाइन में कन्वर्ट नहीं किया होता तो इसके अंदर देखो, मैं आपको करके बताती हूँ। मैं फिर से टेक्स्ट लेती हूँ और यहाँ पर मैं ओ, फिर से भी ओ ही लिखा है मैंने, और इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ और इसके अंदर मैं कोई सा भी मतलब शेप या प्रिंट या ग्रेडियंट देना चाहूँ तो ग्रेडियंट ही, देखो मैं दे ही नहीं सकती इसमें ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मैं दे ही नहीं पा रही इसमें। क्यों नहीं दे पा रही? क्योंकि ये तो अभी टेक्स्ट है, ये भी शेप में कन्वर्ट नहीं हुआ है, इसीलिए मैं इसमें ना तो ग्रेडियंट कर सकती हूँ, ना ही कोई प्रिंट डाल सकती हूँ, ना ही एनीथिंग। तो मैं इसमें इसको थोड़ा सा टाइप में जाकर क्रिएट आउटलाइन में कन्वर्ट कर देती हूँ। और अब देखो, अब मैं इसमें फिल कलर नन करके और मैं इसमें ग्रेडियंट कलर कैसे देती हूँ देखो, ग्रेडियंट कलर में मैंने पैलेट खोल लिया है अपना और यहाँ पर ले लिया है मैंने ओ, और ओ की इस पे मैंने डाला है पिंक, और यहाँ मैं एक और ले लेती हूँ और इसके अंदर डाल देती हूँ चॉकलेटी, और इसको मैं कर देती हूँ लीनियर ताकि मुझे सारे शेड्स दिखाई दे। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मैं यहाँ पर एक और ऐड कर लेती हूँ। और इसका कलर मैं कर देती हूँ पर्पल ब्लू, इशा कर दिया है मैंने। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक के अंदर मैंने ग्रेडियंट फिल कर डाला है और एक के अंदर मैंने यहाँ पर ऐसे ही प्रिंट उठा के डाला है। तो कैसे आप टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट को शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसमें कैसे आप कोई भी प्रिंट डाल सकते हैं, कोई सी पिक वगैरह डाल सकते हैं और कैसे आप ग्रेडियंट कलर डाल सकते हैं, तो जब तक आप किसी टेक्स्ट को शेप में नहीं कन्वर्ट कर लेते तो आप उसमें कुछ भी नहीं चेंजेस कर सकते। बस आप टेक्स्ट का कलर तो चेंज कर सकते हो, बट उसमें ना तो आप ग्रेडियंट कर सकते हो, ना ही कोई प्रिंट डाल सकते हो। तो मैंने आज आपको यही बताया है और इनको मैं कर लेती हूँ सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ शिफ्ट प्लस ऑल्ट से, और जो मैंने आपको इससे पहले बताया था मैं उसको ले आती हूँ वापस। कंट्रोल जेड, ये मेरा कंट्रोल जेड, इसको पहले मैं एक बार ग्रुप कर लेती हूँ, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जी सॉरी। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक के साथ, जैसे कि हमारा आज वाला था, आज वाला हमारा टेक्स्ट पे था। तो मैंने आपको बताया टेक्स्ट को कैसे शेप में कन्वर्ट करते हैं और मैंने आपको बताया टेक्स्ट में ही कैसे हम एक ही टेक्स्ट को कैसे लोगो में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी कोई मतलब एक ही टेक्स्ट में कैसे और भी लोगो हम दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, नए फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको ग्राफिक डिज़ाइन अच्छी लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।